प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम बीएड सेकंड ईयर का एचसीबी से पढ़ेंगे भूगोल शिक्षण शास्त्र। इस भूगोल शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत इकाई हमारी यह कार्य है भूगोल शिक्षण का व्यावसायिक विकास। भूगोल शिक्षण का व्यावसायिक विकास को अगर ध्यान से देखें या पढ़े, इसके बारे में अध्ययन करें, तो पहला इसमें आता है कि एक भूगोल शिक्षक जो है किसी विषय से संबंधित, हम जो विषय वस्तु उसका नाम देते हैं कि भूगोल शिक्षक के सामान्य गुण कौन कौन से होने चाहिए। एक अध्यापक को जो गुण होने चाहिए एक अध्यापक के लायक, वो गुणों का विकास किस प्रकार होना चाहिए। तो एक विकास में एक मतलब एक साधारण व्यक्ति में जो व्यक्तित्व झलकता है उनके व्यवहार को देखकर झलकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अध्यापक को भी एक सामान्य गुणों का विकास होना चाहिए कि अध्यापक के अंदर वो गुण है या नहीं है। उन गुणों के अंदर आज हम पढ़ेंगे भूगोल शिक्षक के सामान्य गुणों के अंतर्गत हम पढ़ता कि व्यक्ति को अध्ययनशील होना चाहिए, किसी के प्रति सकारात्मक सोच होनी चाहिए, उसके दृष्टिकोण हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए, अनुशासन में होना चाहिए, और इसी क्रम में हम पढ़े हैं कि नेतृत्व की क्षमता का विकास होना चाहिए। किसका है छठा पॉइंट हम पढ़ेंगे, छठा पॉइंट है नेतृत्व की विकास करना चाहिए, नेतृत्व की सत्ता का विकास करना चाहिए। देखिए, एक अध्यापक के अंदर नेतृत्व की सत्ता का विकास करना चाहिए। नेतृत्व मतलब होता है कि विद्यार्थियों के प्रति हमेशा पॉजिटिव सोच देना चाहिए, सपोर्ट देना चाहिए। नेतृत्व मतलब आप कर सकते हो, नहीं उनको कार्य के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए, मोटिवेशन। तो भूगोल शिक्षक के लिए विद्यार्थियों का नेतृत्व करना होता है कि वह विद्यार्थी नायक या उनके सपनों का आदर्श होता है, कि अध्यापक ही उस व्यक्ति को उस विद्यार्थी को हर प्रकार की क्रिया के प्रति वर्तमान की परिस्थितियों के प्रति अवगत कराता है कि आपको वर्तमान के परिदृश्य को एक अध्यापक विद्यार्थी के समक्ष वर्तमान के परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए उस प्रकार का शिक्षण कार्य विद्यार्थी को करने के लिए प्रेरित करता है। पर अध्यापक के नेतृत्व से विद्यार्थी के अंतर्गत सभी प्रकार के गुणों का विकास जो है वह संभव होता है, क्योंकि एक विद्यार्थी ही एक व्यक्ति का, एक राष्ट्र का, एक समाज का, एक परिवार के व्यक्तित्व का निर्माण एक अध्यापक के द्वारा ही संभव होता है। क्योंकि अध्यापक एक शिक्षक है और शिक्षक के द्वारा विद्यार्थी के अंतर्गत अच्छे और बुरे गुणों का जो विकास है वो अध्यापक के द्वारा ही संभव होता है। सतत विद्यार्थियों के अंतर्गत विचारों में हमेशा सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए जिज्ञासा रुचि सकारात्मक दृष्टिकोण को उत्पन्न करता है। विद्यार्थियों के अंतर्गत एक प्रकार का डर और भय के माध्यम से उनको आने वाले भविष्य की जो घटना घटित हो रही है उसके बारे में, सब सामयिक घटनाओं के बारे में सब विस्तार पूर्वक अध्ययन करवाने के साथ साथ विद्यार्थियों को प्रेरित करते हैं कि आप भी इस क्रिया के प्रति, इस शिक्षण के प्रति, इस इकाई के प्रति, इस प्रकरण के प्रति हमेशा पढ़े और आगे बढ़े। अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक पहुँचना चाहिए। तो वह है नेतृत्व की क्षमता का विकास करना, विद्यार्थियों को मोटिवेशन करना, अभिप्रेरणा देना एक अध्यापक के द्वारा ही होता है। फिर सेकंड नंबर जो आता है वो है आत्मविश्वासी होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? आत्मविश्वासी होना चाहिए। तो हम अगर आठवां पॉइंट पढ़ें तो आत्मविश्वासी होना चाहिए। अध्यापक को अपने कार्य के प्रति, अपने विषय वस्तु के प्रति आत्मविश्वास होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आत्मविश्वास के बिना व्यक्ति कोई भी कार्य करने के लिए संभव नहीं होता। क्योंकि एक विश्वासी व्यक्ति को हमेशा आगे बढ़ने के लिए या हर प्रकार की क्रियाओं के सकारात्मक नकारात्मक विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास होना बहुत ही जरूरी। आत्मविश्वास के बिना व्यक्ति कोई भी कार्य करना संभव नहीं है, क्योंकि कार्य करने के
आत्मविश्वास को उत्तेजित करना पड़ता है कि हमें विश्वास होना चाहिए ये कार्य मुझसे हो सकता है या नहीं हो सकता। तो आपने जो अगर मन में ढाल ली तो वो आत्मविश्वास की प्रेरणा के द्वारा ही व्यक्ति अपने कार्य में सफल होता है। अलग कहने वाला है कि एक अध्यापक के मन में अगर आत्मविश्वास की कमी होती है, एक अध्यापक के मन में आत्मविश्वास की कमी होती है तो वो बस शिक्षण कार्य को प्रभावशाली कभी नहीं बना सकता, क्योंकि अध्यापक को शिक्षण कार्य को अच्छा करने के लिए, उसको अच्छी तरह से प्रस्तुत करने के लिए उसमें आत्मविश्वास को जागृत करना पड़ता है। आत्मविश्वास के बिना अध्यापक कोई भी कार्य करने के लिए संभव नहीं होता है और नहीं अपने कार्यों में विश्वास होता। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि अध्यापक में दृढ़ता पूर्वक अपनी योग्यता अपनी क्षमता पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, जिससे वह वर्तमान की भविष्य में आने वाली कोई भी समस्या का समाधान वह अपने आत्मविश्वास के आधार पर उन्हें दूर करने की पूरी चेष्टा या पूरा आत्मविश्वास करना चाहता है। तो कहने वाला है कि आत्मविश्वास हर अध्यापक को होना चाहिए, अपने विषय के प्रति, अपने कार्य के प्रति, अपने विद्यार्थियों के प्रति, अपने स्वयं के प्रति होना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी ही उस अध्यापक के द्वारा संभव करता है। हम और आगे हम पढ़े अगर सामान्य क्रम में पढ़े दुआ है कि आत्मविश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास के बिना कोई भी व्यक्ति अगर विद्यार्थी अपने शिक्षण कार्य को अपने शिक्षण को अपने पाठ्यक्रम को संपन्न नहीं कर सकता। और हम आगे बढ़े तो वो आता है सहनशीलता का विकास करना। अगर हम नवे पॉइंट पर थोड़ा ध्यान रखें कि सहन क्षमता का विकास होना चाहिए, मतलब एक अध्यापक को सहनशील होना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों की सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान धैर्यपूर्वक किया जाना चाहिए, क्योंकि उस धैर्यपूर्वक क्रिया की प्रतिक्रिया में उसे अध्यापक का रवैया हमेशा आक्रामक रूप से नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि अध्यापक और विद्यार्थी जब पहली बार जो संपर्क होता है संबंध होता है उस समय एक अध्यापक के मन में उस विद्यार्थी के प्रति आक्रामक व्यवहार नहीं होना चाहिए, उस विद्यार्थी के प्रति प्रेम करुणापूर्वक अपने व्यवहार के प्रति अध्यापक को उस विद्यार्थी को आकर्षण बनाना पड़ता है और आकर्षण के माध्यम से उसके हर कार्य के अंतर्गत अच्छे बुरे गुणों का विकास अध्यापक के द्वारा ही किया जाता है। तो कहना मना है कि अध्यापक को सेंसल होना चाहिए, मतलब विद्यार्थी के प्रति हमेशा आक्रमण व्यवहार नहीं करना चाहिए, विद्यार्थी को समझना चाहिए कि उसकी किस आर्थिक स्थिति या पारिवारिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अध्यापक के उसे समस्त कार्य के प्रति उसे गतिविधियों के प्रति उसको हमेशा उसके प्रति सहनशीलता रखनी चाहिए, जिसके द्वारा विद्यार्थी और अध्यापक के मध्य जो व्यवहार होता है वो एक सामान्य व्यवहार होना चाहिए, जिससे विद्यार्थी उसे अध्यापक के प्रति हमेशा सकारात्मक सोच के साथ में अपने शिक्षण कार्य को प्राप्त कर सके। तो कहने वाला ये हुआ कि आज हमने जो पढ़ा है एक अध्यापक के सामान्य गुणों में पढ़ा है कि नेतृत्व की क्षमता का विकास करना चाहिए या आत्मविश्वास होना चाहिए या उसको सहनशील होना चाहिए, सामान्य गुण के प्रत्येक विशेषण इसे पूरे संसार में पूरे राज्य में जो व्यक्ति है उसमें ये सही पदे गुणों का विकास स्वयं व्यक्ति अपने गुणों के विकास निर्माण जो है वो अपने व्यवहार और रवैये के आधार पर ही अपने शरीर के आंतरिक और बाह्य रूपों में देखने को जनने को मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आज के दिन हम इतना ही
शिक्षण बिंदु को करेंगे। इसके जो बाकी जो शिक्षण बिंदु अध्यापक के सामने गुण है हम अगले वीडियो के माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।